युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार का भी आयोजन किया जाता है। शुक्रवार को देश भर में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रीवा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 परिसर में सूर्य नमस्कार का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। क्या है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। इतनी कम उम्र में, 25 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और 39 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन इतने कम उम्र में ही उन्होंने ऐसी ख्याति प्राप्त की, अपने योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी विद्वता का ऐसा दुनिया ने उनको देखा और इसके लिए आज वो महापुरुष बन गए हैं। और वो हमेशा कहते थे कि युवा को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और जब युवा स्वस्थ होगा तो तमाम तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेगा। अतभी उस देश में रहने वाले उन युवाओं के देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा। और इसलिए आज सूर्य नमस्कार जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, महर्षि पतंजलि ने इस विधा को जो हमें विरासत में सौंपा है उसको स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार यहाँ पर होता है। नरेंद्र मोदी जी ने तो इसे विश्व योगा दिवस के रूप में सारी दुनिया को योगा करने के लिए प्रेरित किया है और इसलिए आज यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हुआ है बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हो रहा है। बता दें, शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर पूरे देश के साथ ही रीवा में भी सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने कड़कड़ाती ठंड के बावजूद काफी संख्या में भाग लिया। बच्चों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संगठन के लोग निरोगी बनने स्कूल प्रांगण में योग मुद्रा में लीन हो गए। सामूहिक योगाभ्यास में स्कूल मैदान के अंदर आम लोगों से लेकर खास लोगों तक के विभिन्न आसन आकर्षण का केंद्र रहे। यहां अतिथियों के साथ सभी लोग अपने अपने आसनों में बैठकर सूर्य नमस्कार से लेकर प्राणायाम, कपालभाति, वृक्षासन आदि किए। इस कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार की 12 विधाओं का अभ्यास कराया गया तथा इनसे होने वाले स्वास्थ्य लाभ की जानकारी दी गई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहे द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मुद्रा, एक दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, पीछे जाएंगे, तीन यथाशक्ति झुके तो बोलिए। आप बाएं में साक्षी दिल से सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे, दाएं में साक्षी दिल से ललाट पर रखे गए मध्यमा नाक पर अनामिका एक पर कनिष्ठता गाड़ी पर गहरी सांस ले गए और इसी के टोटल बाधास्तासन यथाशक्ति झुके चार आशु संचालन बाहर पीछे झुकने जमीन में सामने देखेंगे आसमान की ओर पांच पर्वताकार एरी पंजा जमीन में छह श्रेष्ठांग प्रणाम।
सीता का भागुता रुका हुआ और पर्वताकार सीधा पर्वताकार स्थित में यही पंजा जमीन में ना भी देखेंगे रुक जाइए बाहर आइए इधर आइए प्रदान करेंगे बच्चों के साथ सहभागिता करेंगे और इसके लिए मैं आमंत्रित